सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से और जिसमें हम पाठ समझ रहे हैं दादी माँ। आपको याद है कि पिछली वर्कशीट से हमने इस पाठ को शुरू किया और इस पाठ में लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए एक कुछ बता रहे हैं, अपना सारा वृतांत सुना रहे हैं, अपनी सारी पुरानी घटनाओं को वो सुना रहे हैं। तो जैसे कि लेखक अपनी दादी माँ को याद कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी इस पाठ को जब पढ़ते होंगे तो आपको अपनी दादी माँ याद आती होंगी। बहुत सारे बच्चों के साथ तो उनकी दादी माँ होंगी और बहुत सारों के साथ शायद नहीं भी होंगी। तो जैसे आपको अपनी दादी माँ याद आ रही हैं, लेखक को अपनी दादी माँ याद आ रही हैं, ऐसे मुझे भी अपनी दादी माँ याद आ रही हैं, क्योंकि जब भी मैं इस पाठ को पढ़ता हूँ तो मुझे अपनी प्यारी दादी माँ याद आ जाती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दादी माँ सबको प्यार करती हैं, ऐसे ही लेखक को भी बहुत प्यार करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को और मेरे साथ समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती या मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो ये तो था पाठ का अंश। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो उत्तर है कि गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ उसका हाथ, माथा, यहाँ पर माथा थोड़ा अलग अलग लिखा है, इसको मिला के लिखना है, हाथ, माथा और पैर छूती, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, ये सरसाम है, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो उसका उत्तर है कि महामारी के दिनों में दादी माँ रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार तथा गूगल और धूप के साथ पूजा करती। फिर तीसरा प्रश्न है कि लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो उत्तर है कि लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है और मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4,
प्रश्न नंबर 4 है कि दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। तो ये जो रेखांकित शब्द है जिसके नीचे ये लाइन लगी हुई है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वो ऐसा क्यों करती थी? तो देखिए कि जो रेखांकित शब्द है वो दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है। वे ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वे घर की मुखिया थी, यानी घर की सबसे बड़ी थी, और मुखिया होने के नाते वे यह चाहती थी कि घर के सदस्य, सभी सदस्य उनकी बात माने, और अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो वह गुस्सा हो जाती थी। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये तो हम सबको मालूम ही है, हम सब इससे भली भांति परिचित हैं कि इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए आप भी जानते हैं ना, तो चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें लोगों से मिलते समय दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यानी कम से कम हमें उनसे 2 फीट 3 फीट की दूरी रखनी चाहिए, ताकि बोलते समय अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है कोरोना वायरस से, उसके मुंह से वायरस निकले भी तो वो हम तक ना पहुंच पाए। फिर दूसरी बात है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद साबुन से हाथ हमें धोने चाहिए, यदि साबुन ना हो तो अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ करना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है कि घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, और बच्चों मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क लगाने से कोरोना वायरस हम पर नहीं आ सकता, क्योंकि वो नाक या मुंह के जरिए या आँखों के जरिए जाता है, तो आँखों में भी आपको बार बार हाथ नहीं लगाना। तो यही मैंने चौथा पॉइंट भी लिखा है कि बार बार अपने हाथों से मास्क को नहीं छूना चाहिए। तो देखा कितना अच्छा अंश था, लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए किस तरीके से लिखते हैं, जैसे एकदम सारा सीन हमारी आँखों के सामने आ गया हो। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।